ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आतिश यंत्र किसे कहते हैं, तो आज का जो मेरा प्रयोग है वो आतिश यंत्र पर ही रहेगा। तो ये आतिश यंत्र इतने चमत्कारी और इतने प्रभावी होते हैं कि यहाँ आग लगाओ और वहाँ पर आपको असर दिख गया। तो आज मैं बात करूँगा मारण के ऐसे प्रयोगों की जो बहुत ही सरल हैं और इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन मारण प्रयोग को करने की मनाही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती हैं। आप सोच तो रहोगे किसी का अहित करने के लिए, लेकिन आपका ही अहित हो जाएगा। तो मारण प्रयोग बच्चों का खेल नहीं है, इसको कतई ना करें। लेकिन जब जान पर बनाए, आपके पास और कोई रास्ता ना रहे, एक तरफ खाई हो और दूसरी तरफ कुआं हो, तब आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मेरा मेलबॉक्स भरा पड़ा है कि गुरुजी कोई ऐसा मारण का मंत्र दीजिए कि बस एक दो दिन में ही काम कर जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मारण कोई खेल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आके पूछते हैं कि गुरुजी मारण कैसे होगा, तो मैं बताइए उनको क्या कहूँ। मारण एक ऐसी विद्या है जिसको अर्जित करना बहुत ही मुश्किल है। बिना गुरु के ये विद्याएँ जो हैं आप अर्जित नहीं कर सकते। ये तलवार की धार पर चलने वाली विद्या है जिसको सहेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन पवित्र है, साफ है और आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, और सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि आपकी जान पर बनाई है, इसलिए ये फलीभूत ज़रूर होगा। और अगर आप किसी से ईर्ष्या ना रखें और किसी का अहित ना करना चाहें, तभी इसको कीजिएगा। लेकिन सिर्फ कोई एक थप्पड़ मार दे और उसके बाद आप बैठ जाएं मारण क्रिया करने, तो कृपया करके मेरे मंत्रों का प्रयोग ना करें। जब आपके पास कोई बड़ी शक्ति आती है तो उसके साथ एक संयम भी आता है, आपके पास वो समझ भी आती है कि इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है। अगर आपके पास ऐसी समझ नहीं है तो आप इसका प्रयोग कतई ना करें। तो मारण क्रिया जब भी आप करें, उस समय एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, वो है अपनी सुरक्षा की, कि अगर कोई चीज़ बीच में आ जाती है या फिर अगर सामने वाले के ऊपर कुछ शक्तियां हो या फिर कुछ कुछ भी हो, सामने वाले के पास कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भौतिक रूप से तो हम देख सकते हैं, लेकिन एक दूसरी दुनिया में उसके साथ कौन चल रहा है, कौन सी शक्तियाँ उसके पास हैं, क्या पता उसकी रक्षा कौन कर रहा हो, उन चीज़ों से बचने के लिए आपको उपाय करने होते हैं, वरना जो चीज़ आप भेज रहे हैं वो आपके ऊपर आ सकती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि रामायण में लक्ष्मण जी ने सीता के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। उस लक्ष्मण रेखा में एक मंत्र था जो कि उनको सुरक्षित रखता था। अगर सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो रावण उसका हरण कता भी नहीं कर पाता। तो उसी लक्ष्मण रेखा की आज मैं बात करूंगा। उसका जो मंत्र है वो आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। तो जब भी मारण क्रिया करें तो अपने आप को कीलना जरूरी होता है। कीलन होती है चाकू से या लोहे की कील से। तो जो भी आपके पास यथा संभव हो उसको लीजिए और एक अपने बाहर एक गोला बनाना शुरू कीजिए, चक्र बनाइएगा इस मंत्र के साथ। आप बांध चाप बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध, ये बोलते जाना है आपको। आकाश बांध पाताल बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध, उत्तर बांध दक्षिण बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध। एक अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ये लक्ष्मण रेखा का मंत्र आपको बताऊंगा। इसको जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट searchstops.com पे जा सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9982841625 पर भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक आ गया है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए अगर आप अभी आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो यंत्र मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसको काले कौवे की
पंख ले लेने आपको एक। ये जो आम हमारे घरों में जो आते रहते हैं वो वाले कौवे, कोई दूसरे वाला नहीं, बड़े कौवे नहीं, छोटे मोटे जो होते हैं जो नॉर्मल आपको दिख जाएंगे घर के बाहर, उन कौवों की एक पंख ले लेनी है। सरसों का तेल और कोयला इन दोनों को मिलाकर इसकी एक शाही बना लेनी है। इसकी शाही बनाने के बाद आपको ये जो यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस यंत्र को बनाना शुरू करना है। ये यंत्र बनाइए और साथ साथ में अपना जो भी भड़ास हो, जो भी आपका द्वेष हो, वो सारा निकाल दीजिए कि मेरे दुश्मन के साथ ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी आप चाहते हैं कि मेरे दुश्मन के साथ ऐसा होना चाहिए, वो सारा कुछ आप इस यंत्र को बनाते हुए बोलते जाएं, बोलते जाएं और एक एक शब्द में वो सब कुछ भरते जाएं। जब ये यंत्र बनकर पूरा हो जाए तो अपने दुश्मन का इसके पीछे नाम लिख दें और यकीन मानिए हफ्ते के भीतर भीतर जैसा आपने सोचा भी नहीं था, जैसी आपकी कामनाएं थी उससे कहीं बेहतर ये यंत्र काम कर देगा। आपको इस यंत्र को जला देना है उसी गोले के अंदर बैठे बैठे या खड़े खड़े। इस यंत्र को आप यहाँ जलाएंगे और वहाँ पर आपका दुश्मन तड़पने लगेगा। लेकिन किसी का अहित करने के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इसका किसी का अहित करने के लिए ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक पाप के भागीदार होंगे और षटकर्म में इसका साफ साफ वर्णन है कि अगर आप इसको किसी का अहित करने के लिए करते हैं तो नुकसान के भागीदार आप खुद होंगे। जब ये करें तो सिर्फ मेरी बातों में आकर ना करें, किसी गुरु का सानिध्य लें, उनसे पूछें कि ये कैसे करना है। अगर गुरु ना हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार करें, क्योंकि मारण क्रिया बच्चों का खेल नहीं है, इसको वैसे ही करें जैसे मैं बता रहा हूँ, अन्यथा किसी गुरु या फिर अपने किसी एल्डर को साथ लेके जाएं और तब ये करें। ये सारा कुछ आपको किसी सुनसान स्थान में करना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर विरले ही कोई जाता हो, ऐसी जगह जहाँ पर कि इंसानों का आवागमन ना हो, बिल्कुल शांत हो, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हों जिन्हें आप सोच ना सकें, जिन्हें आप देख ना सकें, क्योंकि जो भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं वो ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर इंसान की पहुँच ना हो। तो कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहाँ पर कि क्राउडेड ना हो और इक्का दुक्का ही लोग वहाँ पर जाता हो। तो ऐसी जगह पर जाकर आपको ये यंत्र बना लेना है और उसके बाद जो है इसको जला देना है। जब जले ये यंत्र तो इसको जलाकर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, जब ये जल जाए, पूरी क्रिया हो जाए, उसके बाद ही आपको उस गोले से बाहर निकलना है। ये क्रिया आपको 7 दिन दोहरानी है, 7 दिन दोहराइए। उसके बाद जब आप ये कर रहे होंगे कि आपको उसी दौरान उसका असर दिखना शुरू हो जाए। ऐसे भी काफ़ी केस आए हैं जिनमें कि एक दो बार में ही आपको ये असर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो मैं बांटना नहीं चाहता था, लेकिन आजकल की दुनिया में ये ज़रूरी हो गया है कि बताएं कि आपके पास किस तरह की सिद्धियां हैं। अगर कोई ज़्यादा ही परेशान कर दे आपको, आपकी रातों की नींद हराम कर दे, आपको बिल्कुल ही आपका बिजनेस चौपट कर दे, तो उनके लिए तो ये चीज़ें बने ही हैं, आप ये कर सकते हैं उनके लिए। या फिर कोई आपको तंग कर रहा हो, मानसिक रूप से आपको पीड़ा दे रहा हो, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। बस आप ये किसी ऐसे व्यक्ति पर ना कीजिएगा जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हों जो जिसको आप देख ना सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। हम बाहरी रूप से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन उनके पीछे कुछ इतना सब कुछ लगा होता है कि जिसको आप देख भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों पर आप अगर इसको गलती से भी कर देते हैं तो आप हानि के भागीदार खुद होंगे। और मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको मारण मंत्र बताऊं, लेकिन फिर भी जनहित में जो अपनी आत्मरक्षा करना चाहते हैं उनके लिए है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। आप मेरी वेबसाइट searchstops.com पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ यही वीडियोस नहीं, इसके अलावा भी साधनाएं, मंत्र और सारी तरह की विधियाँ मिलेंगी। और अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि इसमें ऐड किया जाए साइट में, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि साइट में आपको दिख जाएगा।
और मुझे बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, क्योंकि अभी जो मेरे पास मेल्स आ रखी हैं वो 500 के आसपास इसी टॉपिक पे हैं कि हमें मारण मंत्र दीजिए कोई अच्छा सा। तो अभी मेरे जो अगले वीडियो आएंगे वो सारे मारण पर ही होंगे, तो इनको सहेज कर रख लीजिएगा क्योंकि ये इसके बाद शायद से आपको ना मिले। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।